माननीय विधायक जी बुढ़ाना विधानसभा गया है और संजू बल्याण की बराबर में बैठे हुए भाषण दे रहे, वीडियो वायरल हो रहा आपका बार बार। क्या बुढ़ाना क्षेत्र को इतना परेशान करना चाहते हैं? मैं बुढ़ाना क्षेत्र का हूँ, भनवाड़ा गांव का। अगर तुझ में हिम्मत है तो भनवाड़ा गांव में आके दिखा दिए, तुझे मैं बता दूंगा। विधायक जी अब वीडियो में कहते हो कि तुम जब तक मैं आऊँ पुलिस वाले से कि जब तक डंडा बजना चाहिए नहीं, किसमें बजाएगा डंडा? तो उन मासूम लोगों को बजवाएगा। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो आ जाना, तुझे बताऊंगा मैं। संजीव बल्याण एमपी साहब की बराबर बैठे हो, कह रहा है एमपी साहब कुछ नहीं दे रहा, केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या वो भाषण देना चाहिए? भाषण दे रहा है नुक, मैं जब तक यहाँ हूँ जब तक डंडा बन नहीं पहुंचा, दंगा करवा रहा है तू? क्या दंगा करवाने की सारी चल रही तेरी एमपी या विधायक की, तुम्हारी दोनों की? तुम्हारी दंगा करवाने की जो सारी चल रही है बुढ़ाना विधानसभा के अंदर, बुढ़ाना से ही शुरू हुआ था पिछले 2019 में, बुढ़ाना और यहाँ से खदोली से दंगा शुरू करवाया था तुमने ही। एक बुढ़ाने के अंदर लड़की छेड़खानी का मामला हुआ था, उसमें कुछ विशेष समाज के लोगों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की थी, पुलिस के साथ मारपिटाई की थी, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा था। उसी समय मैं स्वयं आकर सारे विषय को देखा था। पुलिस ने बहुत बढ़िया कार्रवाई की है, 13 लोग 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। अब ये जो वायरल हो रही है, मैंने खुद तो नहीं देखी लेकिन लोगों के द्वारा मुझे बताया जा रहा है और इसकी जानकारी मैं प्राप्त करूँगा। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति समाज के बीच में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास करते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा। और सच्चाई तो यह है कि मेरा उद्देश्य तो यह है कि बुढ़ाने के अंदर पूरे जनपद के अंदर सौहार्द का वातावरण रहे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हम सब लोग मिलके सौहार्द के वातावरण में ये त्यौहार मनाएं। नहीं, क्या युवक पर कार्रवाई का भी आदेश पुलिस विभाग से कराए जाएंगे? अभी क्योंकि मैंने देखी नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ और देखने के बाद निश्चित रूप से अगर वो इस प्रकार का वातावरण और गंदा वातावरण पैदा करने का कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी।